राधे राधे दोस्तों, बबीता जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको अंडा करी बना के दिखाएंगे। एक थाली में दो मीडियम साइज का प्याज काट लेंगे और लहसुन काट लेंगे, अदरक काट लेंगे और टमाटर काट लेंगे, सूखा मिर्ची चार रख लेंगे, कच्चा मिर्ची, तेज़पत्ता, ये सब आलू उबला हुआ रख लेंगे। सबसे कढ़ाई में तेल डाल के आलू को फ्राई कर लेंगे। इधर मिक्सर जार में सूखा मिर्ची, तेज़पत्ता, लहसुन और प्याज आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी और गरम मसाला डाल के पीस लेंगे। इधर कढ़ाई में दो चम्मच सरसों तेल डाल देंगे, खड़ा गोटा, गरम मसाला, सूखा मिर्ची और तेज़पत्ता का तड़का लगाएंगे, कटा हुआ प्याज और कच्चा मिर्ची डाल देंगे कढ़ाई में भुनने के लिए। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तब एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डाल के चलाएंगे, मसाला पेस्ट डाल देंगे, डाल के इसे चलाएंगे। फिर टमाटर को भी डाल देंगे, डाल के इसे भूनेंगे कम फ्लेम पर। फिर फ्राई किया हुआ आलू इसमें डाल देंगे, डाल के इसे भूनेंगे। एक चम्मच मीट मसाला डाल के इसे भूनेंगे जब तक कि इससे तेल ना छूटे। फिर इसे 2 गिलास पानी डाल देंगे। इधर कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल डाल के 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल के इसे, सरसों तेल डाल के 1 चम्मच इसे फ्राई करेंगे अंडा को। जब ये पूरा ब्राउन हो जाए तब सब्जी का ग्रेवी इसमें डाल देंगे, डाल के इसे ढक देंगे, ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए अंडा करी बनके तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों।